मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न सर्विंग। आज हम लोग देखेंगे कि एमनी लेवल से हम लोग कैसे स्लोप डिस्टेंस और इसका जो स्लोप एंगल है या फिर स्लोप परसेंटेज है वो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को चाहिए ये एमनी लेवल, जो दिखने में कुछ हद तक डंपी लेवल के जैसा ही दिखता है। बट डंपी लेवल और इस एबनी लेवल का एक डिफरेंस है, डंपी लेवल जो है ये वर्टिकली अप डाउन नहीं हो सकता है उसका टेलीस्कोप, लेकिन इस एबनी लेवल में ये एक अटैचमेंट है जिस अटैचमेंट के मदद से हम लोग इसको 0.5 मीटर अप और 0.5 मीटर डाउन हम लोग इसको टेलीस्कोप को अप डाउन कर सकते हैं ये वाला अटैचमेंट से। बाकी सारा जो एसेसरीज है वो सब लोग आप लोग पहले जो डंपी लेवल किया है उसमें आप लोग सब सेम है। इसका आईपीस है, ये फोकसिंग स्क्रू है, ये जो लेंस है ऑब्जेक्ट ग्लास है, ये स्पिरिट बबल है, ये फुट स्क्रू है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है और ये प्लम बॉब है। इसे छोड़ के हम लोगों को चाहिए लेवलिंग स्टार, मेजरिंग टेप और रेंजिंग रॉड। इससे पहले जो हम लोगों ने एबनी लेवल से सर्वे किया था उसमें आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने एक हैंडी टूल यूज़ किया था, जो हैंडी टूल हाथ में लेके फिर उसका हम लोग लेवल निकालते थे। लेकिन वो वाला इंस्ट्रूमेंट और ये वाला इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो वाला इंस्ट्रूमेंट ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर माउंट नहीं होता था, लेकिन ये वाला जो है एबनी लेवल ये ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर माउंट। और एक चीज़ है, जो हाथ में लेके हम लोग एबनी लेवल यूज़ किया था पहले, उससे जो रीडिंग आता था उससे हम डायरेक्ट वर्टिकल एंगल मेज़र कर सकते हैं, लेकिन इस एबनी लेवल से हम लोग एंगल मेज़र नहीं कर सकते, इसका सिर्फ लेवल ही देख सकते। एंगल निकालना हमको कैलकुलेशन के थ्रू करना पड़ेगा, कैलकुलेशन के थ्रू हमको एंगल निकालना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग ये स्लोप डिस्टेंस और स्लोप का जो एंगल है वो कैसे निकालते हैं। अभी हम लोग इसका जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम लोग निकालेंगे। इसके लिए हमको एक मेजरिंग टेप का ज़रूरत पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारा आया है 1.25। ये फोकस स्क्रू का ये वाला जो नट है उसको हम लोग उस तक हम लोग हाइट निकालेंगे। तो 1.25 का हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड किया और अभी हम लोग इसका जो स्टाफ रीडिंग है वो स्टाफ रीडिंग हम लोग देखेंगे कितना आता है। ये आया 2.58, हमारा आया 2.58। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी आप लोग देखिए कि 2.58 रीडिंग आया कि नहीं, अभी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं फोटो में। मीटर हमको मिला कि स्टाफ रीडिंग से, और इसके ऊंचाई था 1.25 मीटर। ये दोनों अगर डिडक्ट करेंगे तो आता है 1.33 मीटर। ये वाला जो रीडिंग है, ये वाला रीडिंग हम लोग स्टाफ में मार्क करेंगे। स्टाफ में मार्क करने के बाद वो वाला रीडिंग से यहाँ का जो सेंटर है वो सेंटर तक हम लोग इसका डिस्टेंस निकालेंगे, तब ये हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0.331।
3233। तो ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट 1.33 मीटर। तो ये वाला डिस्टेंस तक हमको, ये वाला डिस्टेंस से लेके उसका सेंटर पॉइंट तक हमको डिस्टेंस मेजर करना है। तो यही होगा हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। वीडियो ऑन कर। अभी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमको मिला, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 12.32 मीटर। उसके बाद हम लोग इसका जो स्लोप है, वो स्लोप हम लोग, हमारा जो रीडिंग है अभी हम लोगों को मिल गया है और कैलकुलेशन भी हम लोगों ने निकाल लिया है। आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारा मिला 12.32 मीटर। इसके हिसाब से हमारा जो स्लोप है, स्लोप का फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो हमारा है राइज बाय रन। तो राइज यहाँ पे क्या है, 1.33 मीटर, और रन कितना है 12.32। तो 1.33 बाय 12.32 करेंगे तो आता है 0.108। इसका अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10.8%। और अगर एंगल से निकालेंगे तो इसका, इस वैल्यू का 10 इनवर्स हमको करना है। तो 10 इनवर्स करेंगे तो आएगा 6 degree 9 minute 51 second। तो अभी हमारा जो स्लोप है, तीन तरह से हम लोगों ने निकाल लिया। ये स्लोप का कोई, इसका यूनिट नहीं है, ये यूनिटलेस है। इसका परसेंटेज में है और इसका एंगल यानी डिग्री मिनट सेकंड है इसका यूनिट। तो ये वैल्यू को अगर हम, ये वाला जो वैल्यू है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और इसका जो ये 1.33 मीटर है, तो 1.33 मीटर अगर ये डायग्राम अगर फॉलो करेंगे तो दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगा। ये 1.25 मीटर हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है और इसका 00 रीडिंग पे हमारा आया था 2.58। तो 1.25 मीटर अगर नीचे जाते हैं तो उस लेवल पे हमारा जो हाइट है, वो हाइट आ गया है 1.33, जो कि ये है। तो ये अगर आप फॉलो करेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह हमारा दिखता है। तो ये है हमारा स्लोप डिस्टेंस, जो अगर हम लोग जो बोल रहे हैं कि निकालेंगे, तो स्लोप डिस्टेंस है ये ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज। तो हम लोगों को पता है पाइथागोरस थ्योरम में बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू स्लोप स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो इसका अगर रूट निकालेंगे तो आता है 12.392 मीटर। अभी ये वैल्यू को हम लोग क्रॉस चेक करेंगे एक्चुअल फील्ड में। तो देख सकते हैं हम लोग अभी फील्ड में क्रॉस चेक कर रहे हैं स्लोप डिस्टेंस का। ये है 12 मीटर, 10, 20, 30 और ये है 39 और 2, जो कि यहाँ के इस बीच में आता है। तो ये है 12.392 मीटर हमारा स्लोप डिस्टेंस, जो एज पर कैलकुलेशन हमारा बिल्कुल सही आया। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है और हमारा जो मेथड ऑफ मेजरिंग जो है, ये बिल्कुल एक्यूरेट हुआ है। तो इसी तरह दोस्तों हम लोग बाकी जो जगह पे हमारा सर्वेइंग कर, हम लोग सर्वे करने वाले हैं, इसी तरह इसी मेथड को फॉलो करके हम लोग ये सब निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ और वीडियोज़ पाने के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।